ना सबसे पहली चीज बेटा, वो रिलेशन चैप्टर होता क्या है? पहले तो हमें इस चैप्टर का मीनिंग समझना होगा बेटा, ठीक है? सो ध्यान रखना बेटा, कोरिलेशन चैप्टर के अंदर हमें जो मेजर चीज जो समझना है बेटा, वो क्या समझना है? वो ये समझना है बेटा कि दो वेरिएबल्स के बीच पे, दो वेरिएबल्स के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, रिलेशन। लेट्स से एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है बेटा। सो वेरिएबल ए एंड वेरिएबल के बीच में कैसे रिलेशंस है बेटा, और उसको जब हम क्वांटिटेटिव टर्म में, ठीक है, उसको जब हम क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, सो दैट रिलेशनशिप विल बी नोन एज कोरिलेशन। बात समझ में आ? सबको ओके। सो अगर हम बेटा कोरिलेशन के लैंग्वेज पे आए, अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा ना, अब हम इसके अगर लैंग्वेज पे आए, सो व्हाट इज कोरिलेशन बेटा? इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल व्हिच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर बेटा हमने ये चीज पढ़ा था कि अगर प्राइसेस में चेंज आता है तो उसकी वजह से डिमांड में भी चेंज आएगा। सो कितना चेंज आएगा, कैसे चेंज होगा, कितने मतलब उसका क्या एस्पेक्ट हो रहा है चेंज का, और जब हम उसको एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में बेटा मेजर करके मेंशन करते हैं, सो दैट स्टैटिस्टिकल टूल विल बी नोन एज कोरिलेशन। मेरे हिसाब से सब बच्चे समझ गए ओके? बेसारे है ना ओके। नाउ अब हम बात करेंगे बेटा कि मतलब कोरिलेशन को एस्टिमेट करने का, यानी कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं बेटा। तो तीन मेथड होते हैं, एक होता है स्कैटर डायग्राम, दूसरा होता है बेटा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एंड तीसरा होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। नाउ दिस टाइम वी आर नॉट वेरी श्योर कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हमारे सिलेबस में है कि नहीं है, बट हम क्या करेंगे बेटा, हम ना स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है हम उसे भी एक बार समझेंगे जरूर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्कूल्स में ये चैप्टर आता है, मतलब कुछ स्कूल्स में ये मेथड आता है, कुछ स्कूल्स में ये मेथड नहीं आता है, तो भाई रिस्क क्यों लेना, तो हम इस मेथड को भी अच्छे से समझ लेंगे बेटा। सो ओवरऑल अगर हम देखें, सो कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एंड इसके अलावा बेटा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। बात समझ में आई अनुज? अनुज ओके। सो नाउ अब एक छोटी सी चीज इसमें और ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, वो ये चीज है स्कैटर डायग्राम टोटली बेटा इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल एस्पेक्ट नहीं होता, यहां पर हमको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देनी होती है, ठीक है, और उस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू बेटा हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, अभी बताता हूं कैसे। हाँ लेकिन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है बेटा, ये एक मेथड होता है जिसके अंदर हमको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अच्छी खासी समझनी होगी, ठीक है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है और इसकी कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल होती है, तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे स्कैटर डायग्राम और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला जरूर समझेंगे। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगा। बट एक छोटी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है बेटा, वो ये है कि जब भी आप कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे, और ध्यान से सुनना बेटा, जब भी आप कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे तो बेटा ध्यान रखेंगे कोरिलेशन का आंसर हमेशा 0 to 1 के बीच में आएगा, मतलब या तो कोरिलेशन का आंसर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, या बिटवीन 0 to 1 के ही बीच में आएगा, मतलब इसका आंसर ऐसा नहीं हो सकता कि 5.49, 2.38, इस टाइप से आंसर नहीं आएगा, 0, 1 या 0 to 1 के बीच में ही इसका आंसर हमेशा आएगा। बात समझ में आई? ठीक। अच्छा सबसे पहले जब हमें स्कैटर डायग्राम समझना है बेटा, तो सबसे पहले हमें सर डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन समझना काफी जरूरी होगा। तो देखो डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन के अंदर बेटा कैसे कैसे कोरिलेशन होते हैं। पहला कोरिलेशन होता है हमारे लिए बेटा परफेक्ट कोरिलेशन, जिसके अंदर परफेक्ट के अंदर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन भी होता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन भी होता है। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड व्हाट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तो इसको कैसे समझेंगे बेटा वो देखना बेटा।
अगर आपका आंसर एग्जैक्ट वन आया, जिसको हम पॉजिटिव वन बोलते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा कोरिलेशन कैसा है बेटा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे? राइट, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। लेट से अगर हमारा आंसर बेटा माइनस वन आ गया, तो अभी हम इसको कैसा कोरिलेशन बोलेंगे बेटा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। लेट से अगर आपका आंसर बेटा 0.75 या 0.75 से 1 के बीच में आ रहा है, मतलब 0.75 आ गया, 0.8 आ गया, 0.9 आ गया, 0.92 आ गया, तो जो भी आंसर बेटा आपका 0.75 या उससे एक्सीड करता है और बिटवीन 1 के बीच में रहता है, उसको हम बोलेंगे बेटा हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे? हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर? ओके, सिमिलरली अगर आंसर आपका बेटा -0.75 से -1 के बीच में आएगा, हम उसे बोलेंगे हाई नेगेटिव कोरिलेशन। अगेन क्लियर? ओके, अगर आपका आंसर बेटा बिटवीन 0.25 टू 0.75 के मिड में आता है बेटा, सो दैट विल बी नोन एज नॉर्मल कोरिलेशन, व्हिच विल बी सेड टू बी मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आपका आंसर बेटा -0.25 टू -0.75 आता है, सो हम उसे बोलेंगे बेटा मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर? ओके, सिमिलरली अगर हमारा कोरिलेशन का आंसर बेटा बिटवीन 0 टू 0.25 आता है, हम बोलेंगे उसे लो कोरिलेशन, लो पॉजिटिव कोरिलेशन। बट अगर हमारा आंसर 0 टू -0.25 आया, सो देन दैट विल बी नोन एज लो नेगेटिव कोरिलेशन। अगेन क्लियर? एंड लास्ट बेटा, अगर आपका आंसर लेट से 0 आया, तो 0 में बेटा हमेशा हम सीधे क्या बोलेंगे, नो कोरिलेशन। पॉइंट समझ में आ गया? मैंने सबसे पूछा है, ठीक है। सो ध्यान से समझना, अब अगर हम इसकी बात करें ना बेटा कि हमें मतलब बेसिकली कौन कौन सी डिग्रीज जो एक्चुअल में पढ़नी होती है, सो बेटा एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना होता है, डायग्रामेटिकली वाइज परफेक्ट कोरिलेशन, जिसके अंदर दो हो सकते हैं, इधर परफेक्ट पॉजिटिव या फिर परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमें समझना होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये बेटा जिसका आंसर आया होगा बिटवीन 0 टू 1, लेकिन पॉजिटिव में होगा। नेगेटिव का मतलब जिसका आंसर बेटा -0 टू -1 के बीच में आया होगा, ठीक है। और नो कोरिलेशन का आंसर का मतलब ही क्या होता है कि हमारा कोरिलेशन की वैल्यू कितनी आई होगी, 0। यहां तक सारे बच्चे समझ गए, ठीक है। इन्हीं डिग्रीज को अगर मैं बेटा डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करूं, या अगर मुझे इन्हीं डिग्रीज को मतलब डायग्रामेटिकली अगर प्रेजेंट करना हो बेटा, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे आपको वो समझना है बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। बेटा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि हमारा आंसर आया होगा 1, और जब भी 1 आया होगा तो बेटा हमारा जो कोरिलेशन बनेगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होकर के अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्लियर सारे बच्चे? फिर से देख बेटा, अगर हमारा कोरिलेशन का वैल्यू परफेक्ट पॉजिटिव 1 आया, मतलब एग्जैक्ट 1 आया, तो बेटा वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि पॉजिटिव है। और वो कहां से स्टार्ट होगा, हमारे ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओरिजिन पॉइंट से। बात समझे? ठीक है। अब यही चीज अगर हमारा बेटा नेगेटिव 1 आया, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तो यही डायग्राम क्या होगा बेटा, सबसे पहले चीज तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, ठीक है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व में बेटा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के एंड पॉइंट को क्या करेगा, टच करेगा। बात समझे सारे? ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मतलब बिटवीन मतलब 0 टू 1 के बीच में आता है बेटा, तो हमारा कोरिलेशन अपवर्ड स्लोपिंग तो बनेगा बेटा, लेकिन वो ओरिजिन को टच करते हुए नहीं बनेगा। बात समझे ये चीज सारे? एंड सिमिलरली बेटा अगर हमारा आंसर नेगेटिव आया, तो अगेन
ध्यान से सुनना बेटा, अगेन हमारा जो है जो स्लोप यानी कर्व बनेगा वो नेगेटिव यानी डाउनवर्ड तो बनेगा, लेकिन कहीं पे भी वो एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगेन क्लियर? सारे है ना? एंड द लास्ट वन इज बेटा, अगर हमारा कोरिलेशन का वैल्यू जीरो आया, सो जीरो का मतलब ही क्या होता है बेटा कि हमारा कोरिलेशन कुछ हुआ ही नहीं, सो नो रिलेशन। तो बेटा उस केस में ना आपका डायग्राम कुछ मतलब इनसिग्निफिकेंट टाइप यानी सर्कुलर शेप में बनेगा, बिकॉज वहां पर कोई भी रिलेशन यानी ना अपवर्ड स्लोपिंग दिखेगा ना डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखेगा, तो इसीलिए वो एक सर्कुलर मोड में ये बोल सकते हो कि अन मतलब नॉन स्लोप कर्व बनेगा। बात समझे सारे बच्चे? क्लियर? ओके, तो पहले काम करते हैं, पहले हम तो हमने बेटा स्कैटर डायग्राम समझ लिया, अब हमें समझना है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर आप नोटिस करो तो स्कैटर डायग्राम वाज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स, बट कार्ल पियर्सन मेथड इज अ बेटा क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। तो मतलब ये है कि यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके बेसिस पे कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको फॉर्मूला क्या दिख रहा है बेटा यहां पर? सबसे पहले तो स्मॉल आर का मतलब क्या है बेटा? स्मॉल आर का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू मतलब एन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अब ये फॉर्मूला जितना सिंपल सा दिख रहा है बेटा, ये उतना सिंपल फॉर्मूला नहीं है, पहले चीज ये ध्यान रखना। बट यू नो व्हाट, ये आपको एक छोटा सा मतलब फॉर्मूला दिख रहा है, वहीं पे मैं इसका एक और फॉर्मूला दिखाऊं शॉर्टकट मेथड का, तो फॉर्मूला आपको देखने में बहुत लंबा चौड़ा लगेगा। बट ट्रस्ट मी बेटा, अगर हम इस फॉर्मूले को एक बार सीख गए शॉर्टकट मेथड, यही पहले समझाऊंगा मैं आप लोग को, अगर हम ये शॉर्टकट मेथड सीख गए बेटा, तो हमारा कैलकुलेटिव पोर्शन जो है, जो कैलकुलेशन का पोर्शन होगा बेटा, वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम चाहें तो सेम फॉर्मूला, ये जो डायरेक्ट मेथड है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा कि सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। बिकॉज अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है बेटा कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ट्रस्ट में बेटा, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें कैलकुलेशन का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन के पोर्शन को सिंपल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा शॉर्टकट मेथड का। और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये रहा फॉर्मूला, R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन में एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन में सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब जितना आपको ये टिपिकल दिख रहा है, ट्रस्ट मी बेटा, ये उतना टिपिकल नहीं है। हम पहले क्या करेंगे, इसको एक जगह पहले एक बार मैं आप लोगों को पहले इसको फॉर्मूले को सॉल्व करके दिखाता हूं कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या सॉल्व करना होता है। ठीक है, वापस से एक बार बोलता हूं, सिग्मा क्या है, एक काम करें एक बार, अगर आप लोग इसको रीड करें तो आप लोग इसको कैसे रीड करोगे बेटा? सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई का डिवाइड डिवाइडेड बाय एन, और उसको बेटा ये जो पूरा पोर्शन आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एन एंड इनटू अंडर रूट में सिग्मा डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन। मानता हूं कि ये फॉर्मूला देखने में टिपिकल लग रहा है, टोटली एग्री, बट बेटा ट्रस्ट मी, जितना सिंपल ये फॉर्मूला है उतना सिंपल कोई फॉर्मूला नहीं होगा। सबसे पहले तो शॉर्टकट मेथड देखो, याद कैसे करेंगे उसका तरीका समझाता हूं। सबसे पहले R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई, सबसे पहले हमें क्या चाहिए आप लोग बोलेंगे बेटा? सबसे पहले क्या लिखा मैंने?
सिग्मा डी एक्स डी वाई, इसमें से माइनस क्या करेंगे बेटा, सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन में एन, क्या माइनस करेंगे, राइट अब अंडर रूट, अब डिवाइड करेंगे बेटा, दो अंडर रूट हमें चाहिए ठीक है, और दोनों अंडर रूट के बीच में मल्टीप्लिकेशन रहेगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस, अब डी स्क्वायर एक्स चाहिए था तो हम क्या करेंगे, सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे एन से। सिमिलरली हमें और क्या कैलकुलेट करना होगा बेटा, जो हमने पहले अंडर रूट में एक्स की वेरिएबल रखी थी अब वाई आ जाएगा, यानी सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन। अब सबसे पहले चीज, छोटी छोटी चीजें जो हमें समझना सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा ठीक है। सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट डी एक्स ठीक है, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन वी नीड टू कैलकुलेट डी एक्स एंड डी वाई। एंड बेटा डी एक्स और डी वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हमें वो समझना है। तो बेटा डी एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स माइनस, ध्यान से समझना बेटा, एक्स माइनस एक्स मीन क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ओके एक्स माइनस एक्स मीन का मतलब यहां पर ये बेटा कि एक्स माइनस ये जो हमारा एक्स मीन है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली एज्यूम मीन, जिसको हम फाइंड आउट किससे करेंगे बेटा, एक्स की वैल्यू में से। एंड सिमिलरली बेटा अगर अपने को डी वाई कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, वाई माइनस वाई मीन, दैट मींस वाई की वेरिएबल में से कोई एक वैल्यू एज्यूम करेंगे ठीक है, और उससे हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप लोग को याद हो तो हमने मीन वाला चैप्टर पढ़ा था बेटा, मीन वाले चैप्टर में भी तो हम यही करते थे ना, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, याद आया कुछ ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां पर ये मीन इसलिए लिख दिया बेटा, सो दैट आपको ये पता रहे कि हमें क्या करना है, एज्यूम्ड मीन कैलकुलेट करना है, मतलब एज्यूम्ड मीन में से ये माइनस करना है, बात समझ में आई ठीक है ओके। बस बेटा इसके अलावा आपको कुछ भी और अलग से कैलकुलेट नहीं करना, अब आपको जो फॉर्मूले में चाहिए आप वो कैलकुलेट करोगे। अब एक एक करके ध्यान से समझते जाना, सबसे पहली चीज हमारे पास dx और dy आ चुका है, सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए बेटा, dx इंटू dy, मतलब dx dy मतलब dx इंटू dy ना ओके, सो मल्टीप्लाई dx विद dy, सो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम dx dy। एंड अगर हम dx और dy को dx dy को टोटल कर ले बेटा, सो दैट विल बिकम सिग्मा dx dy राइट क्या हमारा पहला स्टेप का, मतलब फॉर्मूले का पहला पार्ट कंप्लीट ओके। नाउ दूसरी चीज अगर आप देखो बेटा, माइनस हमें क्या करना, सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन में n है ना, तो इसका मतलब ये कि हमने dx तो कैलकुलेट कर ही लिया था, तो स्टेप नंबर फोर सम टोटल ऑफ dx एंड dy which will become beta what, sigma dx and sigma dy, clear sare okay, yahan tak sare bacche samjhe ki nahi samjhe pehle ye batao okay। agar aap dekho beta to ab niche under root mein hame kya chahiye, sigma d square x, iska matlab ye beta ki jo humne, ruko step number 5, ab hame kya karna hai, हमने जो डी एक्स कैलकुलेट किया था बेटा, अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल लूं, जो हमने डी एक्स कैलकुलेट किया है अगर मैं उसका स्क्वायर निकाल दूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स। तो हम उसे लिखेंगे कैसे बेटा, स्क्वायर ऑफ डी एक्स, दैट इज वो क्या बन जाएगा बेटा, डी एक्स का स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ डी वाई, सो दैट इज डी वाई का स्क्वायर। पहले बताओ ये बात समझ में आई, है ना। नाउ
अब अगर बेटा हम स्टेप नंबर 5 का जो dx और dy स्क्वायर कैलकुलेट किया, अगर हम उसको सम टोटल कर दें, सो सम टोटल ऑफ dx स्क्वायर एंड dy स्क्वायर, सो इट विल बिकम बेटा सिग्मा dx स्क्वायर एंड सिग्मा dy स्क्वायर, यानी बेटा हमने ये पोर्शन और ये पोर्शन भी कैलकुलेट कर लिया। सब बच्चे समझ गए? सारे ओके। फॉर्मूले का लास्ट पार्ट बेटा, सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n। तो बेटा हमें क्या करना है, स्टेप नंबर फोर, हमने जो सिग्मा dx निकाला था, हम उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर निकाल लेंगे। सो होल स्क्वायर ऑफ सिग्मा dx एंड सिग्मा dy। सो बेटा होल स्क्वायर ऑफ सिग्मा dx विल बिकम सिग्मा, रुको एक सेकेंड, so this will become beta what, this will become sigma dx ka whole square and this will become beta sigma dy ka whole square and last beta step number 8, n is basically here number of items given in the variable section। baat samajh gaye sare bacche bhai sare? एंड बेटा ट्रस्ट मी, अगर आपने इस चीज को कैलकुलेट करना सीख लिया, हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल भी कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज बेटा आपको गिवन है मार्क्स और आपको गिवन है बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दो वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है। सो लेट से मार्क्स हमारे पास गिवन है बेटा 10, 20, 30, 40, 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है बेटा सपोज करो 2, 4, 1, 7, 6। तो बेटा मार्क्स हमारे लिए हो जाएगा x और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे लिए y। सबसे पहला स्टेप हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, dx एंड dy। तो dx और dy कैलकुलेट करना है। dx के लिए क्या करेंगे बेटा, x माइनस a और dy के लिए y माइनस a। सबसे पहले एक बात बताओ, x में से अगर हमें कोई वैल्यू एज्यूम करनी हो, कौन सी वैल्यू एज्यूम करेंगे बेटा, सॉरी कितना बोला बेटा, 30। ओके तो बेटा 10 माइनस 30 हाउ मच, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, dx आ गया, dx समझ में आया। ओके सिमिलरली dy कैलकुलेट करने के लिए y माइनस y मीन, यानी y में से कोई एक एज्यूम मीन की वैल्यू माइनस करेंगे। एज्यूम मीन कितना रखे बेटा, वन, चलो वन रख लेते हैं। तो टू माइनस वन इज बेसिकली वन, थ्री, जीरो, दिस विल बिकम सिक्स एंड दिस विल बिकम फाइव, राइट। ओके भैया हम लोगों ने बेटा स्टेप नंबर वन कैलकुलेट कर लिया। नाउ मल्टीप्लाई dx विद dy, सो दिस विल बिकम dx dy, यानी अब हमें कैलकुलेट करना है dx dy। तो dx dy कैसे कैलकुलेट करेंगे, dx इंटू dy, माइनस 20 इंटू माइनस वन, माइनस का 20 आएगा बेटा, देन माइनस 10 इनटू माइनस 3, माइनस का 30, 0, 60 एंड दिस विल बिकम 100। यहां तक समझ गए? ओके देन बेटा वी नीड टू कैलकुलेट सम ऑफ डेविएशन, यानी सम ऑफ dx dy। सो सम ऑफ dx dy मतलब इसका अगर हम सम टोटल करें बेटा तो वो हमारा आ जाएगा सिग्मा dx dy। तो सिग्मा dx dy इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 160 minus 50, so this will become 110। तो dx dy की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। Now sum total of dx and dy also, हमने dx और dy किया बेटा, इसका भी sum total कर लेते हैं। So ये zero आ गया और ये कितना आ जाएगा, 6 plus 5 11 11 plus 4 15। तो ये हो गया हमारा sigma dy और ये हो गया हमारा sigma dx। यहाँ तक सब बच्चे समझ गए? Okay. Now, अब हमें क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर ऑफ dx एंड स्क्वायर ऑफ dy, ठीक है। हम यहां क्या लिखते हैं बेटा, हम एक नई वैल्यू यहां पर कोट करते हैं बेटा, dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर। तो dx की वैल्यू हमारी माइनस 20, माइनस 20 इंटू माइनस 20 कितना हो जाएगा बेटा, सिमिलरली दिस विल बी 100, दिस विल बी 100 एंड दिस विल बी 400। Then dy का स्क्वायर बेटा 1, 9,
जीरो, 36, 25, और बेटा अगर मैं इसका भी टोटल कर लूं, सो दिस विल बिकम सिग्मा dx का स्क्वायर, सिग्मा dy का स्क्वायर। बात समझे सारे बच्चे? ओके, हाँ बेटा बोलो। 9999 होल स्क्वायर हमें किसका करना है बेटा? होल स्क्वायर हमें करना है सिग्मा dx का, ठीक है? ठीक है, ओके। जब हम इस dx का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे और उसका जब सम करेंगे, सो दिस विल बिकम सिग्मा dx का स्क्वायर, ठीक है? बट अगर हम dx, सिग्मा dx जो हमारा आया है बेटा, ये जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा बनेगा सिग्मा dx का होल स्क्वायर। क्लियर? एंड सिमिलरली सिग्मा dy को जब हम होल स्क्वायर निकालेंगे बेटा, सो दैट विल बिकम सिग्मा dy का होल स्क्वायर। बात समझे सारे बच्चे? समझ गए? फिर बच्चे ही क्या बेटा, फिर हमें जो है इस फॉर्मूले को यहां पर इंप्लाई कर देना है, यानी इंप्लीमेंट कर देना है। पॉइंट समझ गए आप लोग? कार्ल पियर्सन मेथड का शॉर्टकट मेथड समझ में आया बेटा? सबको आया? ओके, नेक्स्ट क्लास में ना क्या करेंगे हम, इसका ये जो डायरेक्ट मेथड है ना बेटा, इसको भी समझेंगे जरूर, ठीक है? बट अभी क्या करना है, अभी पहले हमको ये मेथड समझना जरूरी था। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करेंगे बेटा, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखो विद दिस स्टेप, जल्दी।